नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सबको पता है, जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना भी जरूर है। लेकिन कौन कहाँ जन्म लेगा और कहाँ उसकी मृत्यु होगी, ये पहले से कोई नहीं जानता। लेकिन अगर कोई किसी स्थान पर जन्म ले और अपना पूरा जीवन वहाँ बिता दे, उसके बाद उसे उसके आखिरी दिनों में उससे ये कहा जाए कि उसे इस जगह से जाना होगा, आप यहाँ मर नहीं सकते क्योंकि यहाँ मरना मना है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ इंसानों का मरना मना है। तो चलिए दोस्तों, पता करते हैं वे कौन सी जगह है। लॉन्गेरबेन शहर नॉर्वे में एक शहर है जिसका नाम लॉन्गेरबेन है। वहाँ पर लोगों पर एक नियम लागू है कि कोई भी व्यक्ति इस शहर में रह तो सकता है, पर किसी का भी इस शहर में मरना मना है। शहर में एक छोटा कब्रिस्तान भी है और यहाँ पिछले 70 सालों से किसी को भी दफनाया नहीं गया है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा कारण है। लॉन्गेरबेन एक बर्फीली जगह है। यहाँ चारों तरफ हमेशा बर्फ जमी रहती है और हमेशा बर्फ जमे रहने के कारण बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कभी खराब नहीं होती, उनमें से इंसान का मृत शरीर भी एक है। सन 1918 में जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सैनिकों ने राहत की सांस ली कि अब माहौल शांत हो जाएगा और सब अपने घरों को लौट आएंगे। खाइयों में कीचड़ों में रहकर जिन सैनिकों ने लड़ाई लड़ी वो भी बाहर निकलने लगे। बदकिस्मती से बहुत से सैनिक अपने फेफड़ों में एक जानलेवा फ्लू अपने साथ लेकर आए, जिसे स्पेनिश फ्लू कहते हैं। उसे स्पेनिश लेडी भी कहा जाता है। इस जानलेवा फ्लू से करीब 20 से 40 लाख लोगों ने दम तोड़ दिया था और उनमें से लोगों को लॉन्गेरबेन के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। लेकिन हमेशा बर्फ में जमे होने के कारण मृत शरीर बर्फ में सड़कर खत्म नहीं हो पाया। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत शरीर के साथ फ्लू का वायरस भी संरक्षित हो गया है, जो कि बहुत ही बड़ा खतरा है। अगर यह वायरस फिर से फैला तो ना जाने और कितनी ही जान लेगा। यही कारण है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति बीमार होता है उसे यहाँ से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, ताकि उसके साथ अगर कोई और बीमारी का वायरस हो तो वो भी उसी के साथ चला जाए। यही कारण है कि इस शहर में लोगों का मरना मना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।